आई एम रियली सॉरी एवरी वन, हमारा थोड़ा सा कनेक्शन स्टेबल नहीं है आज, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था. आई एम रियली सॉरी वंस अगेन. हम में दोबारा से आल आर्ट देम और हम कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ को. इट वॉज सच अ फाइन कॉन्वर्सेशन. आई एम रियली सॉरी वंस अगेन एवरी वन, हमारी कॉन्वर्सेशन बीच में इंटरप्ट हो गई क्योंकि लाइट थोड़ी सी स्टेबल नहीं है, कनेक्शन भी स्टेबल नहीं है. टेरेबल टेरेबल थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, बट आई होप मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट द कॉन्वर्सेशन पॉपर हेयर. Am I audible? जी, आप कंटिन्यू कीजिए साद, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं उस्मान को तब तक ऐड कर लेती हूँ. अच्छा, तो बेसिकली आई डोंट नो वो लास्ट बात मेरी हुई कि नहीं, लेकिन मैं यही बात कर रहा था कि अगर एक वेबसाइट इस एक मसले के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, ये जो पैसों का इश्यू है, जो कि एक्सपेंसिव एकेडमीज का इश्यू है, एंड द अदर प्रॉब्लम्स केप्ट असाइड, दैट इज अ बेनिफिट एंड एन एडवांटेज इन इट्स ओन प्लेस, विच इज वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ अप्रिशिएटिंग. जी, मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन से, वैसे दिस वाज क्वाइट एनलाइटनिंग. मैंने काफी चीजें आई ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ, और उससे मैं भी रिलेट कर सकती हूँ काफी जो आप दोनों ने बातें की, क्योंकि आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एज अ कोर्स. और जो द सैडेस्ट पार्ट जो हमारी यूनिवर्सिटीज का है, इंग्लिश लैंग्वेज या क्रिएटिव राइटिंग रोल होता है एक यूनिवर्सिटी का, कि वो अपने स्टूडेंट को टीच करे या अपने स्टूडेंट को बताए कि कैसे आपने ओपिनियन स्टेट करना है या कैसे आपने अपने थॉट्स को, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स ऑन डेली बेसिस, कुछ ना कुछ हर किसी के दिमाग में आ रहा होता है. एंड इफ समबडी इज टेकिंग इतना एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम, कोई एग्जाम, नॉट जस्ट CSS PMS, ये बहुत छोटी बातें हैं, कोई एग्जाम इन लाइफ, तो आई थिंक कि उनको एक ओपिनियन स्टेट करना आना चाहिए. दे शुड नो के हाउ टू पुट देयर थॉट्स इन टू वर्ड्स. दैट्स वेयर क्रिएटिव राइटिंग कम इन. आईव स्टडीड इन KP एंड इन पंजाब. लाइक मैं दोनों एरियाज से पढ़ चुकी हूँ. आईव हैड एक्सपीरियंस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ टीचर्स. लेकिन वहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है. इफ यू स्टडीइंग लिटरेचर हो गया, या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, या आप एक रिसर्चर हो, तो वो आपको सिर्फ रिसर्चर बनाते हैं. यूनिवर्सिटीज का काम ये नहीं होता. वो आपको कहते हैं क्योंकि दीज आर द रूल्स, और पढ़ लो और खुद सीख लो. एवरीथिंग इज वॉट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, जिसकी वजह से आपको एक वो थेरी तो आपको दे देते हैं, लेकिन उस थेरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, या अपने थॉट्स को, आइडियाज को शेप कैसे करना है, वो ये आपको नहीं बताते हैं, जो कि काफी एग्जाम्स में होता है, चाहे वो वन पेपर हो, चाहे वो CSS हो, चाहे कहीं का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे यू आर बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, चाहे यू आर बिकमिंग अ ब्लॉगर और एन एडिटर. बेस इश्यू सेम है, आपको अपने ओपिनियंस को शेप करना आना चाहिए, जहां पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग आता है. राइटिंग का मकसद ही यही होता है, जब आप अपने आइडियाज को शेप करने की कोशिश करते हो तो आप काफी क्रिटिकल हो जाते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो अच्छी हो जाती हैं. आप रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो क्रिटिकली एक इशू पे. तो इंग्लिश इज वेरी बेसिक, आपको सीखना पड़ता है. और इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग, ताकि अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक शेप दे सको. हमारी यूनिवर्सिटी में आई हैव स्टडीड एट फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, आई हैव टॉट एट बेनजीर यूनिवर्सिटी, आई हैव स्टडीड एट पेशावर यूनिवर्सिटी. वहां पर इंग्लिश एज अ क्रिएटिव राइटिंग कोर्स जो है नहीं पढ़ाया जाता. आपको रिसर्च करना सिखा देते हैं कि दिस इज द फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर, और खुद कर लो, सीख लो. आपको या तो आपको सिर्फ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स बता देते हैं कि बस डू इट ऑन योर ओन, दिस इज व्हाट हाउ इट इज. लेकिन जब आप इनटू जा रहे होते, यू आर स्टेपिंग इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, सो यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स देयर. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ राइटिंग सेंटर एट फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज, विच आई हैपन टू विजिट वंस इन माई लाइफ दैट आई वॉज देयर. वहां पर आई वेंट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दे टीच मी इंग्लिश एज अ क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, सो दैट आई कैन एक्सेल बींग अ बेटर राइटर, और बींग बेटर एट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ.
बट वहां पर भी दे वॉज द सेम सिनारियो गोइंग ऑन. वो आपको बेसिक रूल समझा देते थे एंड देन दे वुड लेट टेल यू के गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ ऑन योर ओन. फिर वहां पर एक गैप आ जाता है. यू कांट पुट योर आइडियाज. आपके पास थेरी तो होती है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं आता या आप उसको इनटू वर्ड्स नहीं डाल सकते. अब व्हाट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग जहां पर आपको रूल्स समझा दिए जाते हैं एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद पढ़ो. सर काजिन की क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस जो है वो इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो समझा रहे होते हैं आपको कि दीज आर द रूल्स और फिर वो आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं कि दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट. तो आपको ना इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको इतने ज्यादा नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती. ऑल यू नीड इज बेस इंफॉर्मेशन और जो आपका बाकी प्रोसेस है राइटिंग एज अ प्रोफेशनल राइटर इन इंग्लिश एंड पुटिंग योर कोर आइडियाज इन अ वेरी एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में उसको डालना एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ अप्रोप्रिएटली इन इंग्लिश, दैट इज वेयर ही कम्स इन. वो आपको समझा देते हैं कि ये रूल्स हैं, दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट. अगर दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ एक्चुअली, जो कि आपको जो ट्रेडिशनल टीचिंग्स हैं जैसे फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में सर जर्मी हो गए और बाकी सारे जो आपको सिखाते हैं इंग्लिश इंग्लिश जैसे कि हमारे पास मिस्टेला हो गई एंड सो मैनी ऑफ देम हमारे पास काफी टीचर्स हो गए, तो वो ये चीज नहीं करते हैं. तो फॉर दोज जिनको इश्यू है इंग्लिश लैंग्वेज का सीखने का और वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक बेस लेवल से सीखें. उस्मान डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ. जी, और बेसिकली अगर इसमें मैं एक पॉइंट अगर ऐड कर सकता हूँ, इसमें सबसे बिगेस्ट ब्लंडर जो सारे लाइफ हमें फेस किया और फेस करते हैं हम स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पे, एफएससी लेवल पे, ओ लेवल, जे लेवल्स पे कुछ हद तक, और मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि हमें पहले ही क्लास में आके वो स्प्राइट की एड की तरह बोतल बोतल नीचे रख के कहा जाता है सीधी बात नो बकवास. तो वो सीधी बात लिख लिख के हमें वो फ्लुएंसी, वो कोहेरेंसी, वो अपने आइडियाज की उधर ही धजिया उड़ा दी जाती है. तो उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट अपनी आइडियाज लिख पाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी आइडियाज को शेप करना आना चाहिए, तो फिर कोई भी एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है. आपको कोई भी एग्जाम के लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता, आपको जो बुक्स हैं वो मेमोराइज नहीं करनी होती, क्योंकि फिर बुक्स आपके लिए सिर्फ होती हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे आप बेस इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो. बाकी क्रिटिकल, अगर इफ यू नो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बेटर, इफ यू नो हाउ टू राइट क्रिएटिवली, तो फिर आपको इतनी जरूरत नहीं होती कि आप किसी के और के वर्ड्स को उठा के उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो. क्योंकि कॉपी पेस्ट का एग्जामिनेशंस का मकसद ही ये होता है कि द पर्सन एक्सप्लोर्स द रियल यू, कि आप क्या हो, आपके आइडियाज क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं. तो वो बाहर आते हैं व्हेन यू राइटिंग क्रिएटिवली, दैट इज वेयर यू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्रिएटिवली एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट इन एनी एग्जामिनेशन. मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत नैरो हो जाएगा. क्रिएटिव राइटिंग आपको हर जगह पे फैसिलिटेट करता है, आपको हेल्प करता है. एंड आई बिलीव के मेमोराइजिंग बुक्स इज लाइक कि आप यू वॉन्ट एन ऑरेंज बट एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू लुक इट वॉन्ट इट टू लुक लाइक एन एप्पल. तो एन एप्पल, एन ऑरेंज कैन नेवर लुक लाइक एन एप्पल. और इफ दैट इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप गलत कर रहे हो. विच इज वाई किसी भी एग्जाम में हमारे स्टूडेंट्स का फेलियर रेट इतना ज्यादा होता है कि दे फेल टू अंडरस्टैंड कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर इंग्लिश और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. अगर इफ दे एक्सेल देयर, उनको अच्छे से पता चल जाए, तो आई थिंक कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है. दे कैन एस एनी एग्जाम दैट दे वॉन्ट, क्योंकि उनको पता होता है, इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है. आई डोंट थिंक कि कोई इतने बड़े एग्जाम में बैठेगा और उनके पास नॉलेज नहीं होगी. इट्स जस्ट कि उस नॉलेज को आपने क्राफ्ट कैसे करना है, उसको एक रैशनल कैसे देना है एक एग्जामिनर को. तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग कि मैं कैसे कंपैरिजन कर सकती हूँ जो ट्रेडिशनल हमारी लर्निंग टेक्निक्स हैं विद द न्यू टेक्निक्स दैट हाउ फाइव और यासर काजिम ने इंट्रोड्यूस की हैं. तो यही है हमारे पास के जो ट्रेडिशनल वाली हैं वो सिर्फ आपको बेस स्ट्रक्चर सिखा देती हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये दिस इज व्हाट इट इज, ये हमारे पास वर्ब है, बस जाओ करो जो करना है तुमने इसके साथ. दे डोंट टेल यू कि इसको अप्लाई कैसे करना है, मैंने सेंटेंस बनाना कैसे है, और जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ मैं किस सेंस में बना रही हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस के काफी
सेंसेस बन जाते हैं, फिर आपको कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस और वो सारी चीजें. और अक्सर हमने बोलनी एक बात होती है, हम बोल दूसरी बात जाते हैं, या हम किसी के इंफॉर्मेशन को उस तरीके से डाइसेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर नहीं होती. तो जब आप सर की क्लासेस लेते हो, दो आई वाज अ लिटरेचर स्टूडेंट बट मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत के एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, काफी लोगों को होती है, हम अच्छे से अपने आप को स्पीकिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो लेट अलोन राइटिंग, वो तो एक डिफरेंट एरिया है. तो सर आपको सिखाते हैं कि दिस इज हाउ इट इज, ये बनाओ इसके स्ट्रक्चर्स बनाओ, ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करो, लिखो. वो आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजार के लेकर जाते हैं जो आपके साथ ट्रेडिशनल टीचर्स नहीं करते हैं. फिर ही इन्वेस्ट सो मच ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स इनटू ईच ऑफ हिज स्टूडेंट. वहां पर आपको ये ट्रेडिशनल क्लास का नहीं मिलेगा, विद द टीचर इज लीस्ट बॉदर, उनको कोई सरोकार नहीं होता कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे होते हो, उनको सिर्फ काम होता है अपने एंड रिजल्ट से. सर तब तक आगे नहीं जाते हैं, या ही डज नॉट प्रोसीड, जिससे आप दोनों अग्री करोगे कि सर तब तक प्रोसीड नहीं करते हैं जब तक एक स्टूडेंट को पूरी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की नहीं हो जाती, टिल द टाइम सर श्योर होते हैं कि बस ये बच्चा समझ गया है, नाउ ही कैन राइट अप्रोप्रिएटली, तब तक वो मूव फॉरवर्ड नहीं करते हैं. और फिर उनके पास ही हैज अ लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स, लाइक वो आपको एक तरीके से नहीं समझाते हैं. इफ वन मेथड इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू, तो वो आपको कहते हैं कि चलो इसमें ऐसे, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. फिर ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द असाइनमेंट्स दैट यू गिव हिम, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट है वो प्रोफेशनल हो, वो किसी भी राइटर से बेहतर तरीके से या किसी भी एडिटर से एक बेहतर तरीके से आपको आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, जो कि हमारे काफी लोग जो हैं एग्जाम तो वो दे देते हैं, क्लियर भी वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेस अंडरस्टैंडिंग या जो हम कहते हैं टेक अवे फ्रॉम द कोर्स, दैट इज वेरी नॉट बेसिकली. ऐसी बात है कि जब हम पढ़ते, इफ आई मे ऐड टू दिस, कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अब जैसे पाक रशिया उठा ले, तो एक मेथड तो ये होता है कि जी मैं शुरू अब हो जाऊं कि जी यूएसएसआर का फेडरेशन था, रशियन फेडरेशन था, ज़ार था और निकोलस था, और फिर एक बंदा आया रेस्प्यूटिन, और इस तरह मैं आगे जाके 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 10 क्लासेस लू, और एक बोरिंग सी हिस्ट्री बना के तोल मटोल के इधर उधर करके सब कुछ समझा दू. लेकिन दैट इज नॉट द वे टू लर्न, क्योंकि वो मुझसे बहुत से अच्छे लोग होंगे जो कि पढ़ा रहे होंगे, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, ओवर सिंप्लीफाइड है, 100 गुना बेहतर एक्सप्लेन्ड है, देर विकिपीडिया है, देर आर रिसर्च पेपर्स, यू कैन इजिली फाइंड देम, इट्स ओवर, इट्स ओनली अ कीबोर्ड वे. लेकिन एक दूसरा मेथड ये है कि आप पाक रशिया रिलेशंस को समझाने के बजाय मैं डायरेक्ट ये एक बात आपको समझा दूं, जो कि सरकाज़म इंग्लिश में करते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. कि जैसे अब मैं ये एक तरफ मैं आपको ये सब कुछ समझा दूं, दूसरी तरफ मैं आपको सिर्फ ये दो लाइन समझा दूं कि जी 1991 से लेकर 2014 तक यूएस रशिया का फॉरेन पॉलिसी एम ये था, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ. 2014 के बाद देयर पॉलिसी वाज वी आर बैक एंड वी विल अपोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अमेरिका डज. अब खुद तो वो पढ़ कर सब कुछ सकते हैं, अब वो उठा ले रशिया का रिलेशन किसी के साथ, वो देख ले जी वो वट एवर रशिया इज डूइंग इट इज अपोज टू अमेरिका. तो दैट इज वट सरकाज़म टीचेस, ही टीचेस जी ये चीज ये है, इसका एम ये है, इसके रूल्स ये है, खुद जाके करो, इंस्टेड ऑफ द टेक्निकल थिंग के जी नाउन ये है और नाउन की डेफिनेशन ये है, ये प्लेस और थिंग, एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू काउंटेबल एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू दिस, वो बंदा उल्टा और कंफ्यूज हो जाता है, और फिर मुझ जैसे बंदे हो तो वो फिर इसी पे सारे दिन और रात इसी पे लोगों को मशवरे देते होंगे कि बस जी घर में मूवीज देख भी रहे हो तो सब टाइटल्स के साथ देखो, और गाने भी सुन रहे हो तो सब टाइटल्स के साथ सुनो. सो मेनी ऑफ द पीपल आस्क मी कि आपने लाइक वेयर डिड यू फाइंड सरकाज़म. तो मुझे काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी लेक्चरर्स हैं, काफी मेरे दोस्त हैं जो कि अच्छे पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि यू शुड टेक हिज क्लासेस, अगर इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव एंड इफ यू रियली एस्पायर टू बी अ राइटर इन द फ्यूचर, और ए क्वालिटी राइटर, नॉट कोई भी एनी राइटर बट अ राइटर, अ वेरी गुड राइटर. तो हाँ, दैट इज वाई यू शुड बी ज्वाइनिंग हिम. अब लोग मुझसे पूछते हैं व्हाई डू यू रिकमेंड हिम,
बिकॉज दिस डज दिस पर्सन डज नॉट हैव अ कोई टाइट स्केड्यूल. जैसे ट्रेडिशनल क्लासेस में होता है कि 6 से 9 तक आपकी क्लास है. देयर इज नो 6 से 9 तक क्लास. आपकी क्लास सारा दिन भी चलेगी और सारी रात भी चलेगी. विच इज वाई माई मदर इज ऑफ्टन वेरी यू नो बॉदर्ड कि ये तुम्हारी कैसी क्लास है कि चल रही है चल रही है चल रही है, तुम्हारी टीचर सोते ही नहीं है. आई एम लाइक नो, वो चाहते हैं, वो एक बात शुरू करते हैं, ही टॉक्स अबाउट वन इशू तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं. फिर स्टूडेंट कोई और क्वेरी लेके आ जाते हैं कि हमें ये समझा दे सर, तो सर फिर उस पे टॉपिक पे बात कर आपको वो भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ही मेक्स श्योर के आपको ना सारी चीजें एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड इट रियली वेल. तो आई रियली रिकमेंड के लोगों को जाना चाहिए उनके पास, क्योंकि ही डज नॉट लेट यू गो अंटिल एंड अनलेस आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रो बन जाओ. हाँ, लेकिन स्केड्यूल कोई नहीं है, आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं. बेसिकली बात ऐसी है ना जी के, और हीरा आपकी डिस्कशन से एक दो बातें मैं करना चाहूंगा. देखें, आपने एक बात की कि सरकाजम साहब और ट्रेडिशनल टीचर, सरकाजम साहब और लोकल टीचर, थोड़ी सी आपको नहीं लगता कि कंपैरिजन गलत बन जाता है? आपको नहीं लगता कि कंपैरिजन तो इधर बनता ही नहीं है, कंपैरिजन तो तस्वीर है इनकी, ये तो आप कंपैरिजन करें कि जब आप जाएं सर काजम को आप कंपेयर करेंगे कि आप जो आपके स्पेशली ब्रिटिश के हैं क्योंकि उनकी जुबान है, गोरे के साथ आप कंपेयर करें तो तब आपको मजा आए, क्योंकि लोकल तो मैं समझता हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है. ठीक है जी, एक बात. दूसरी, आपने जो लास्ट बात अभी कही किस हवाले से, फॉर एग्जाम्पल के अगर सर काजम साहब क्लास शुरू कर देते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये बात बहुत से स्टूडेंट करते होते हैं. ठीक है जी, लेकिन बात वही है कि भाई अब चीज समझानी है और राइटर भी तो बनाना है ना, अब अगर और बना सकते तो आप आते नहीं. दूसरी बात ये बताइए आप दोनों मुझे कि एक अलमिया भी तो है ना कि काजिम साहब की क्लास में तो बंदा आ जाए और एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर दे, लेकिन उनकी जो स्लॉटिंग है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि उनके क्लास में एडमिशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल इतनी आसानी से तो आप एडमिशन ले ही नहीं सकते. एडमिशन तो छोड़े, आपको ये खटक साहब को शायद ज्यादा पता हो कि आपको तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, आप हो सकता है 6-6 महीने आपको इन लाइन रहना पड़े, तो इसके लिए फिर बंदा कोई आपके पास, यहाँ नीचे किसी ने पूछा नहीं बल्कि ये सवाल पूछना चाहिए था इन लोगों को कि कोई अगर कोई 6-6 या 8-8 महीने से वेट कर रहा है, इसमें जरूर होंगे ऐसे लोग, तो उनको भी तो बताइए ना कि वो इस जो पुलिस रात है इससे कैसे गुजर के उनके पीपल्स में से शामिल हों, क्योंकि आप तो तारीफों के तारीफें कर रहे हैं लेकिन उन तारीफों को समझने के लिए उनकी क्लास में बैठने के लिए वो जिस चीज से गुजरना पड़ेगा, और तो वो भी तो उनको बताए ना थोड़ा सा. देखिए बेसिकली बात ऐसी है ना, एक स्टोरी मैं कर दूंगा. जब मैं पहली बार मैंने फरवरी 2020 में तैयारी शुरू की थी, तो मैं जो फर्स्ट डे पे गया था तो वो टीचर जो थे वो सबसे पूछ रहे थे कि जी वाई सी एस एस, कुछ कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, समबडी वाज सेइंग इट्स यू द लाइफ, समबडी वाज सेइंग जी पावर, कुछ क्या कह रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे. एक बंदा बड़े पुरजोश में हाथ उठा के चीखता है, सर दुश्मनियां हैं, लोगों से बदले लेने हैं. उस टीचर ने जाके पीछे मुड़ के बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा इन कैपिटलाइज्ड लेटर्स, दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर. अब व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टोरी, देखे बात ऐसी है कि सरकाजम का एम, एंड सॉरी फॉर वो की का वो, उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ. सरकाजम का एम ये नहीं है कि वो जी पैसे कमाए, उसका एम ये, उनका एम ये नहीं है कि जी ज्यादा से ज्यादा बच्चे बटोर दे और क्लास में जो है 500,000 बंदे हो और जी हर बंदे से पैसे आ रहे हो. उनका एम है कि वो टैलेंट देके, क्योंकि वो टैलेंट देके उनको पढ़ाए, उनको उनको हर एक एंगल से उन पे काम करे, उनकी पर्सनालिटी वाइज, उनकी इंग्लिश वाइज, उनकी ह्यूमर वाइज, डिफरेंट एंगल से उन पे काम करे ताकि वो जाके जो है वो सीएसएस क्लियर कर दे. अब कुछ कन्वेंशनल लोग जो है वो यही सोच रहे होंगे कि जी इनको अपनी सक्सेस रेट मेंटेन करनी है ताकि इनको हर दिन नए नए बच्चे आते हो, और वही फजूल टाइप बातें कि जी इनको पैसे मिलते हो, दिस इज अ वेरी क्लेवर मार्केटिंग स्किल. बट हमेशा मैं यही बात कहता हूं कि वी फियर आई फियर अ जनरेशन
ऑफ पब्लिक दैट इज नॉट ऑफ देयर ओपिनियंस, वी शुड बी ओपन माइंडेड. एक दूसरे एंगल से भी आप इसको देख ले. अब आप आके इसको इस एंगल से देख ले जी. कल ये लोग जिन पे सरकाजम काम कर रहे हैं ये जाके GCSS क्लियर कर दे. नॉट अब जस्ट सी एस एस, आई विल ऐड टू दिस कोई भी एग्जाम, क्योंकि वो बेसिक कोई इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग पे ही इज फोकसिंग, तो वो आपको वो बिल्कुल बेस दे रहे हैं किसी भी एग्जाम को एस करने के लिए. आईड से कि अगर कोई उनसे इंग्लिश पढ़ लेता है, क्रिएटिव इंग्लिश जो है या क्रिएटिव राइटिंग, तो कोई भी एग्जाम को एस कर सकता है. उसको सर उसको लिमिट ही नहीं करते हैं. माय पॉइंट वाज अ बिल्कुल बिट डिफरेंट. मेरा पॉइंट ये था बिल्कुल कि हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि कल ये जो लोग सरकाजम, ये यूजुअली एक टिपिकल क्वेश्चन आता है इतने कम स्टूडेंट्स क्यों, तो बेसिकली ये जो लोग जो है ये कल जाके अपने मुल्क की ऑब्वियसली खिदमत करेंगे. वो सब कहते हैं जी हमने मुल्क की खिदमत करना है, हाउएवर दैट वी ऑल नो व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दैट एंड नॉट. लेकिन सरकाजम वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दोज पीपल हु ही नोज विल ट्रूली गो एंड सर्व द कंट्री एंड वॉन्ट्स टू. अब आज मैं एक फिल्म मूवी देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि जी पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो उसमें वो इस बंदे ने, हीरो ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी अगर हम इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस और उन पे काम कॉलेज लेवल से ही करना शुरू कर दे तो हम उनको मोल्ड कर सकते हैं. वी कैन मेक देम इनटू बेटर पीपल सो दैट टुमारो दे कैन गो ऑन टू सर्व बेटर. दैट इज व्हाट सरकाजम डज. ही टेक्स स्टूडेंट्स व्हिच ही फील्स के जी हमने बेटर. अब एक बंदा आके वो ये कहता है जी बदले लेने हैं, उस पे क्या काम कर देगा? वो तो उसको ऑलरेडी माइंडसेट है. CSS इज नॉट अबाउट कि मैं जी जाके बंदूकें उठा के लोगों को गोलियां मारना शुरू करूंगा. जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. इट्स वो उन खटक साहब की बात बिल्कुल वो बजा है. उन्हीं उनके अपने डोमेन को में, सिलेक्ट करते हैं जो कि एक उनके अपने डोमेन में, क्योंकि वो CSS से एक पैशन जी रखते जी हैं तो वो CSS के उसमें बात कर रहे हैं. लेकिन खटक साहब, जनरली देखा जाए तो आपको भी पता है कि काजिम साहब हैं तो इंग्लिश के टीचर, वो अपने आप को सिर्फ इंग्लिश के टीचर ही कहते हैं. CSS फिर अगर आप इंग्लिश करके CSS कर देते हैं या नासा चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं, तो उस सेंस में हेरा शायद बात कर रही. मैं सही समझाऊं जी? और ये बात होती भी है कि मेरे ख्याल में तो जी. आप दोनों को शायद ज्यादा पता हो कि काजिम साहब तो चिढ़ते भी हैं इस चीजों से कि CSS क्या चीज, मतलब CSS या इंग्लिश और PMS इंग्लिश और ये इंग्लिश, ये बातें तो फजूल है. इंग्लिश तो इंग्लिश है भाई, तो वो एक इंग्लिश के टीचर हैं भाई. ठीक है जी, इंग्लिश के टीचर हैं, बिल्कुल इंग्लिश और क्रिएटिव इंग्लिश के टीचर हैं. बहुत खूबसूरत बात है. आप लिखना सीख जाते हैं तो आप कहीं कोई मार नहीं खाते. तो CSS पे तो बहुत सी बातें हो बेसिकली गई क्या मसला होता है, बच हमें सारी जिंदगी बताया जाता है कि गए. जी इंग्लिश जो है वो शार्क है. तो अगर शार्क होता तो मसला आसान होता, शार्क को मार के मसला हल हो जाता. लेकिन असली में इंग्लिश समंदर है, उसमें जितना आप तैरना चाहते हो वो बदलता नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट. अच्छा जी, CSS पे बात हो गई, अब वन पेपर कमीशन एग्जाम पे बात हो गई, थोड़ी सी बात करते हैं कैश क्विज पे. ठीक है तक साहब, कैश क्विज तो चूंकि आप खेल जी ही जी चुके हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो हाँ जी, हाँ जी आ रही है आपका जी एक्सपीरियंस जी कैसा रहा कैश क्विज में? पिछले जो सैटरडे को हमने करवाया था, आप आए थे, हमारे और हजरात भाई भी आए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, आप समझते हैं कि कैश क्विज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ से पढ़े, तो हमने ये भी सोचा हुआ है कि भाई अगर कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो हम उनके लिए भी एक कैश क्विज जो है ना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो आप इस ये आइडिया आपको कैसे लग रहा है अभी जब मैंने इस ये बात कही, और आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है, और इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स को और उन इदारों को और ओवरऑल पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान को और उसमें रहने वाले लोगों को और उनके इलम को? बिल्कुल जी जी आई विल बी अ बिट, वो कहते हैं ना ब्रूटली ऑनेस्ट हेयर. वो एक इंटरनेशनल रिलेशन से मेरा ऑप्शनल है नहीं, पढ़ा है वैसे. तो उसमें एक लाइन थी कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स. अब इंटरेस्ट जो हमारे होते हैं ऑब्वियसली हम वी कैन डिनाई इट, वी कैन एग्री इट, बट मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ अस आर ग्रीडी इन अवर नेचर. तो कैश क्विज का अगर हम देखे जाए, इट्स अ वेरी बैड वर्ड, इट्स अ टू एज्ड सॉर्ड. इट्स नॉट जस्ट सेइंग, इसके दो फायदे हैं.
ठीक है, नंबर वन तो आपके आपको जी आपके इनाम भी मिल रहे हैं, विच इज लाइक आई सेड, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आप एक इंटरेस्ट है। दूसरा उसको आप एक और फायदा हो रहा है कि अगर इफ सम मोस्ट ऑफ अस लाइक मुझे कोई कहता है जी अब मैं ये क्या करूं, मैं कहता हूँ जी जाके इंटरनेट पे सर्च करो, वो आगे से कहता है जी आप सर्च करके मुझे भेज दे, बिल्कुल तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि वही उनको मिल रहा है, उनके लिए हम सर्च करके आप लोग सर्च करके उनको भेज रहे एक अंदाज से कि जी ये है लो। तो इट हैज अलॉट ऑफ एडवांटेज टू इट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, फायदे पे फायदा मिल रहा है, और इंफॉर्मेशन नॉलेज पे वो मिल रहा है, तो इट इज अ ग्रेट स्टार्टअप आई फील। मुझे फिर जॉब तो हासिल करी। इस हिसाब से उस्मान एक्सक्यू उस्मान आपकी आवाज कट रही है, तो आप उस्मान, हेलो उस आपकी आवाज कट रही है, तो नोबडी कैन मेक सेंस ऑफ जो भी आप कह रहे हैं, तो यू हैव टू आप थोड़ा सा अपना पोजीशनिंग रिपोजिशन कर लें ताकि जी, हेलो जी, मेरी आवाज कट गई आप शायद। जी, आप ये दोबारा से कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नो वॉइस नो वॉइस। अच्छा जी, मेरी बात कहाँ तक अनइंटरप्टेड थी साथ साहब? आप आपके ये आज जो है क्विज आप के बारे में कैश क्विज क्या? के बारे में जी बता रहे जी हैं। तो मैं बता रहा था कि कैश क्विज का थोड़ा सा इस तरह की तरतीब हमने रखी है कि चार सब्जेक्ट्स हैं और पर सब्जेक्ट 500 एमसीक्यूज है, तो टोटल 2000 एमसीक्यूज हर वीक के स्टार्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है जी, हाफ फाइव वगैरह पे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं रुकूं तो मुझे रोकिएगा, ठीक है जी? कोई उस्मान आप एक काम कीजिए, ये डिटेल्स हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाल देंगे ताकि लोगों को इफ दे हैव टू रीड वो रीड कर सकें, क्योंकि आपकी आवाज इज नॉट क्लियर। व्हाट आई एम जी गेसिंग, जरूर जी जरूर, हम डाल भी देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्विकली इनको बताता चलूं कि 2000 MCQs फॉर एग्जाम्पल चार सब्जेक्ट्स के, अगर एक वीक में फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्टूडेंट वगैरह पाकिस्तान में पढ़ के आते हैं और कैश क्विज में हिस्सा लेते हैं, तो इंशाल्लाह लर्न करके अर्न भी करेंगे और इंशाल्लाह जॉब भी हासिल करेंगे, बल्कि दोनों ही हासिल कर लेंगे। और अगर आप इस हिसाब से चलें तो एक महीने में ये देखें 2000 तो 4000 तो आपके 8000 तो पर मंथ हो गए ना MCQs, और तकरीबन 4 to 5 months में आप 50 to 60 MCQs को टच करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल जी कि वन जी पेपर या कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स को कोई टच भी कर सकेगा इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास 50 से 60 हज़ार के MCQs जो है फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, आप ईगरली पढ़ रहे होते हैं इन ब्लॉग्स के थ्रू और इस कैश क्विज के थ्रू। तो इसीलिए हाफ फाइव का मकसद ही कैश क्विज कराने का यही था कि भाई किसी भी तरह जो है ना वो स्टूडेंट्स जो कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं, जो एंट्रेंस के हैं, जो कंपटीशन के वन पेपर के हैं, वो ऐसे कुछ ऐसे लर्न करें कि वो लर्न करके अर्न भी करें और कैश के साथ साथ अपनी जॉब्स भी हासिल करें और लाइफ में एक अच्छा मकाम हासिल करें और अच्छे से सुरखुरू हों। तो ये एक जो है ना इसके पीछे जो सारी वर्किंग है ये इसी वजह से है, और ये अपलोड भी कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्रक्स बता दिया कि जो